मेरे तकरीबन तकरीबन कोई राउंड अबाउट 20K, 20,000, 20,000 के करीब मेरे चिक्स जो हैं वो विद इन लास्ट वीक एक्सपायर हुए हैं। ये देखें जी, ये देखें, अभी ये आपको एग नज़र आ रहे हैं जी। ये क्या सीन है, ये देखें जी, इस बॉक्स में दो फीमेल ने एग लेइंग कर दी है। मेल भी इसी में जा रहे हैं, फीमेल भी इसी बॉक्स में जा रही हैं। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, बड़े ज़्यादा टॉपिक हैं, बड़े ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाता। अक्सर अवकात इस तरह की मसरूफियत आ जाती है कि मेरा अपना नुकसान हो जाता है बर्ड्स का, और वीडियो का तो फिर क्या ही, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बर्ड्स का भी नुकसान हो जाता है, फिर ऐसे में मैं वीडियोज़ कैसे बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैम बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। तो आज फिर एक दफ़ा करते हैं हमारा रेगुलर वीडियोस का सिलसिला शुरू, देखते हैं ये कब तक चलता है और कब जाकर डिस्कनेक्ट होता है। तो यार फिर से मेरे साथ जो लोग गिला करते हैं उनसे यार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी कभी मेरी भी मजबूरी समझा करें। अभी लास्ट वीक मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा हूँ और ऐसे में बर्ड्स की तरफ मेरा बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो, जैसे कहते हैं ना, ज़ीरो फोकस था। मैं अभी वो सारा आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे। तो हम ऐसा था, एक ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं पूरा वीक, पूरे 7 से 8 दिन में बिज़ी रहा हूँ। मेरी ये रूटीन है कि रात को पानी के बर्तन, सर्दियों से ये रूटीन चल रही है कि रात को पानी के बर्तन निकाल के तो मैं धो के रख के जाता हूँ कि सुबह आके सिर्फ इनको पानी देना है। और ऐसा था कि मतलब एक मसरूफियत, और फिर मेरा अपना इतना हाल होता था कि मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही थी, और ऐसे में फिर जो बर्ड्स का काम है ना, मैं बर्तन भी नहीं रात को धो के रख के जाता था, सुबह आके धोने हैं और सिर्फ सुबह इनको पानी लगा के दाना वगैरह इनका देख के चले जाना है, और फिर शाम को इस टाइम आके चेक करना है। सॉफ्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं दे हो रहा था, ऐसी कोई मेरी मसरूफियत थी। इन चक्करों में मेरा नुकसान भी हुआ है बर्ड्स का, हैंड फीड वाले चिक्स का। वो क्या हुआ है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो वापस आते हैं वीडियो की जानिब। मसरूफियत इस तरह थी कि ना इनका सॉफ्ट फूड वगैरह, ना इनकी ब्रीडिंग वगैरह चेक हो रही थी, और इवन के जो मेरे हैंड फीड वाले चिक्स थे ना, उनको मैं हैंड फीड करवा के चला जाता था और तकरीबन 8 घंटे बाद ही उनको मैं देखता था जब दोबारा फीड करवानी हो। ऐसे में क्या हुआ, मेरे तकरीबन तकरीबन कोई राउंड अबाउट 20K, 20,000, 20,000 के करीब मेरे चिक्स जो हैं वो विद इन लास्ट वीक एक्सपायर हुए हैं। अब वो कौन कौन कैसे थे, एक अल्बाइनो रेड आई का, लास्ट वीडियो में जो जो आपको चिक्स दिखाए हैं उन्हीं में से एक्सपायर हुए हैं, मतलब जिनमें मैंने आपके साथ हैंड फीड वाले चिक्स का शेयर किया था उन्हीं में से एक्सपायर हुए हैं। अल्बाइनो रेड आई का पीस तकरीबन 10 से 12 हज़ार का पीस इजीली था, 10K से अबव का ही था वो एक्सपायर हुआ मेरा। तीन मेरे इनो के चिक्स, इस पेयर के जो फोर्थ क्लच के तीन चिक्स थे जिनको प्लकिंग की हुई थी, जो हमने हैंड फीड पर उठाए थे, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, तो वो चिक मेरे तीनों एक्सपायर हो गए। उसके अलावा मेरा एक ग्रे कॉकटेल का चिक एक्सपायर हुआ, और इवन के एक ग्रे कॉकटेल का चिक फ्लाई कर गया केज में से, और वो बाहर जाके इधर दरख्त हैं, ठीक है अभी तो इधर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, इधर दरख्त है, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ, तो वो दरख्त पे जाके बैठ गया, बल्कि वो दूसरा दरख्त भी आपको दिखाता हूँ, एक वो सामने नज़र आ रहा है आपको और एक इधर है, ये एवरी के बिल्कुल साथ, तो इधर जाके वो बैठ गया और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके पीछे कव्वे कॉकटेल का एक ये मसला है कि जब कॉकटेल निकल जाता है ना हाथ से, या कोई भी इस तरह का चिक, सबसे पहले उस पर ना कव्वे हमलावर होते हैं, तो वो कव्वे उसके पीछे थे, वो बेचारा बैठा रहा, मैंने उसको पकड़ने भी की भी कोशिश की, 3-4 अटैम्प्ट की, उसके बाद वो यहाँ से उड़ के ना बैठ गया वो सामने वाले दरख्त पे, ठीक है, और वहाँ से मतलब मैंने शाम को देखा वो सड़क में पड़ा था, कव्वे ने उसको खा लिया था बड़ी बुरी तरह से, और मुझे ये पता था कि ये तो यहाँ तो भूख से आएगा, हैंड फीड वाला ही चिक था और अभी सेल्फ हो रहा था, भूख से तो खैर उसने क्या आना, वो पहले ही कव्वों का निवाला बन गया। और मतलब इस तरह मेरे उस मसरूफियत में और बेध्यानी में ना मेरे इस तरह चिक एक्सपायर हुए हैं, तो इमेजिन करें कि मेरी कंडीशन क्या होगी, और बस मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं आ सकी। आज की वीडियो में मैं अभी आपको, लास्ट वीडियो में मैंने इस पेयर का आपको दिखाया था कि ये ना दो पेयर हमने एक ही केज में छोड़ के सिंगल बॉक्स लगा दिया है, और एक्सपेरिमेंट आधा सही हुआ है आधा गलत हुआ है, अब दिखाता हूँ सही कैसे हुआ है वो बाद में दिखाता हूँ, पहले ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, तब वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। ये देखें जी, अब ये देखें जी, ये देखें, अभी ये आपको एग नज़र आ रहे हैं जी। ये क्या सीन है, ये देखें जी,
इस बॉक्स में दो फीमेल ने एग लेइंग कर दी है, मेल भी इसी में जा रहे हैं, फीमेल भी इसी बॉक्स में जा रही हैं, और एक बॉक्स में तकरीबन 12 अंडे ले कर दिए हैं। मैं अभी आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, अभी ये जितने का आपको दिखा सकता हूँ ना वन अटेम्प्ट में, वो भी आप देख लें जी, बस ये गिर ना जाए या टूट ना जाए। ये देखें जी, ये 5 अभी मेरे हाथ में है, बाकी कुछ बॉक्स में पड़े हैं, और बाकी के किधर हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हुआ है कि एक पेयर था बॉन्डेड, वो कैसे पता चला है वो भी अभी बताता हूँ। एक पेयर बॉन्डेड था, उसने भी इसमें लेइंग की, और बाकायदा उसने फर्टाइल अंडे ले किए हैं। तो इसमें टोटल 12 अंडे हैं दो फीमेल के, जिनमें से मुझे मिले हैं सिर्फ 4 फर्टाइल अंडे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पता नहीं कौन सा पेयर है अब जो भी बाउंड हुआ है, जिसने पहले क्लच में ही 4 फर्टाइल अंडे दे दिए हैं ऐसी सिचुएशन में। और इसके 4 फर्टाइल अंडे उठा के मैंने कर दिए हैं जी फोस्टर। फोस्टर किधर किए हैं जी, ये हमारा ग्रे का पेयर है जी, इसने एक ही ब्रीड की, उसमें 2 बच्चे दिए थे। सेकंड ब्रीड में ये अपने अंडों से उठ रहे थे, इन्होंने इन्हों के 2 अंडे ज़ाया किए थे सर्दी की वजह से। अब ये इनकी थर्ड ब्रीड है, और इसमें इसने दिए थे 3 अंडे। मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये फीमेल, ये देखें, इसने ना 3 अंडे दिए थे, लेकिन वो तीनों थे इनफर्टाइल। तो हमने क्या किया जी, वो 3 अंडे उठा के इसके नीचे रख दिए जी, 4 फर्टाइल अंडे। किसके जी, इन पेयर में से किसी के 4 अंडे रख दिए हैं, और माशाल्लाह 4 के 4 फर्टाइल हैं। पेयर तो कुछ बाउंड हो चुका है, अच्छे साइंस हैं, उसने माशाल्लाह 4 अंडे फर्टाइल भी दे दिए हैं। अब देखते हैं जी, वो चारों मुझे इनो मिलती हैं, उनमें से कोई मुझे वी पाइड मिलता है या नहीं, या फिर क्या सीन होता है, कोई हो सकता है कॉमन वाइट भी आ जाए, क्योंकि ये पहले से भी स्प्लिट होते हैं। लेकिन वो सारे अंडे रखती हैं हमने इस पेयर के नीचे, अब यही उसको पालेंगे। और आज की जो हमारी एक्टिविटी थी, मैं फ्री होकर ना, मतलब हफ्ता पहले जिस दिन मैं मसरूफियाँ स्टार्ट हुई, मैंने उस दिन एवरी साफ़ की थी, आज फ्री हुआ हूँ, आज सबसे पहले मैंने यही काम किया है कि सारी एवरी साफ़ की है। और ये भी आपको कंडीशन वगैरह नज़र आ रही होगी, तो बारिश भी हुई है पिछले 1-2 दिन, मौसम कुछ इस तरह का था, उससे मौसम भी अच्छा रहा है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी 80+ पे थी, लेकिन अभी नॉर्मल पे वापस आ चुकी है, टेम्परेचर स्टेबल होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ ही जी मच्छर का हमला स्टार्ट हो चुका है, मॉस्किटो का, तो उससे भी बचाव की कोशिश कर रहा हूँ, कोई उसका भी ऑप्शन देखते हैं। पिछले सीज़न उसने मेरा बड़ा ज़्यादा नुकसान किया है। और उसके बाद आ जाएं जी, हाँ जी, वो लास्ट जो हमने वीडियो में आपको चूहे के बारे में बताया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से भाग चुका है हमारे रैटल वाले फार्मूले के साथ। और आज जी, आज की हमारी एक्टिविटी में एक ये काम भी होगा, ये जो भी आपको पेयर नज़र आ रहा है, ये स्पॉटेड इनटू कॉमन का, तो इसके माशाल्लाह ये देखें जी 4 चिक्स, ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, मैं भी आपको निकाल के बाहर भी दिखा दूँ। तो ये चौथा क्लच है जी इसका, और माशाल्लाह इसमें चौथे क्लच में इसने चौका मारा है जी। 4 अंडे थे, 4 के 4 फर्टाइल और 4 ही बच्चे। तो अभी बाकियों की तो नहीं अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, वो नेक्स्ट वीडियो तक रखेंगे। तो आज की जो है एक्टिविटी, उसमें ये होगा कि ये पीस जो हैं हमारे, अब इनको हैंड फीड के लिए उठाने लगा हूँ, क्योंकि ये पेयर हमने एक लास्ट क्लच के लिए फ्री करना है, और जितनी जल्दी पेयर फ्री होगा उतना ही अच्छा है। और लास्ट क्लच के जो बच्चे हैं वो हम पेरेंट्स हेल्प होने देंगे, तो ये आज मैं इंशाल्लाह उठा लूँगा, और फिर आगे हैंड फीड वगैरह पे फर्दर दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हैंड फीड पे जो जो मसाइल आ रहे हैं मौसम चेंज होने की वजह से, वो भी सारे शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारी जो आने वाली वीडियो ना उसमें आपके साथ शेयर करूँ, कुछ चिक मेरे क्यों एक्सपायर हुए हैं, तो क्या रीज़न बनी है उनके साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।